वॉट कम नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इसको हम लोग मैटर डाटा भी बोलते हैं ये हम लोग आगे जाके जब एस पढ़ेंगे उसमें भी डिस्कशन करेंगे कि जो हमने भी एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का बी नेम किया था एड्रेस किया था कस्टमर का कस्टमर आईडी किया था कस्टमर नेम किया था ये जो कीज हैं ये एट्रीब्यूट्स को फर्दर डिफाइन करती हैं तो मैटर क्या है डेटा अबाउट डेटा जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर रही हैं और जो कीज हैं वो एट्रीब्यूट्स को फर्दर डिफाइन कर रही हैं तो अगर जनरली बात करें तो हमारे पास डेटा बेसिस के अंदर सात आठ तरह की कीज हैं लेकिन इस कोर्स के प्रस्पेक्टिव में हमारे काम की सिर्फ तीन कीज हैं वो हम एक ओवरव्यू के तौर पर डिस्कस करते हैं सबसे कॉमन और सबसे आसान जो है, की है यानी एट्रीब्यूट की टाइप है वो है प्राइमरी की प्राइमरी की को आसान लफ्जों में यूं समझें कि ये एक रो के अंदर एक ऐसी वैल्यू है जो कि यूनिक है यानी अगर दो रोज मौजूद हैं तो इस कॉलम में जो भी वैल्यू होगी वो दो कॉलम के अंदर वैल्यू यानी दो डिफरेंट रोज के अंदर उस कॉलम की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती यानी इट इज जस्ट लाइक योर स्टूडेंट आई यानी दो बच्चों की स्टूडेंट आई रिपीट नहीं हो सकती सी एन आई सी है वो रिपीट नहीं हो सकता अब पासपोर्ट नंबर है वो दो बंदों का रिपीट नहीं हो सकता लेकिन जो जो प्राइमरी की है इसका मतलब कतन ये नहीं है कि ये यूनिक की है यूनिक की इज अ डिफरेंट थिंग यूनिक एक चीज है यूनिक की अलग चीज है ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी करते हैं और जो प्राइमरी की है उसके अंदर एक कॉलम भी हो सकता है यानी सिर्फ आपकी आईडी भी हो सकती है स्टूडेंट आईडी भी हो सकती है या कस्टमर आईडी जो हमने अभी आइडेंटिफाई की थी वो भी हो सकती है और एक से ज्यादा कॉलम भी मिलकर अब प्राइमरी की का पार्ट बन सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रिसीप का जो हमने अभी टेबल आइडेंटिफाई किया था उसमें कस्टमर आई और अपार्टमेंट आई को मिला के भी हम प्राइमरी की का पार्ट बना सकते हैं लेकिन टेबल के अंदर प्राइमरी की एक ही होगी ये आप मैं दिमाग में बैठाना है एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती प्राइमरी की के अंदर उसके जो कॉलम्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी की टेबल में एक ही होगी अब इसको एलेबोरेट करने के लिए लेट मी गिव यू एन इक्वेशन वो सिंपल सी ये इक्वेशन है जो प्राइमरी की है इट इज यूनिक वैल्यू पर रो यानी अगर एक कस्टमर आईडी है कस्टमर नेम है कस्टमर का एड्रेस है कस्टमर का ईमेल एड्रेस है और अगला कस्टमर अगर आ रहा है और हमने अगर कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो इसकी वैल्यू अगर पहले कस्टमर के लिए वन थी तो दूसरे के लिए वन नहीं हो सकती इसका मतलब ये है यूनिक वैल्यू पर रो उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है इट कैन नॉट बी नल यानी नॉट नल है और ये बीच में मैंने एंड लगाया हुआ आसान लफ्ज़ों में कि ऐसा नहीं हो सकता मैं कस्टमर नेम ऐड कर दूं मैं कस्टमर का ईमेल एड्रेस ऐड कर दूं मैं कस्टमर का फोन नंबर ऐड कर दूं और कस्टमर आईडी ऐड ना करूं। देर हैज टू बी अ वैल्यू इन द प्राइमरी की नॉट नल मुराद ये है कि यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक कस्टमर का ऑर्डर जनरेट कर दिया उसकी ऑर्डर आई मौजूद नहीं है ऐसा नहीं हो सकता और ये आपको फॉर एग्जाम्पल माई अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसमें आप एक कॉन्स्टेंट लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं ये यूज़र के कंट्रोल में होता है आखिरी चीज़ जो मैं जो कन्फ्यूजन मुझे लगती है अमूमन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि कि नल वैल्यू क्या चीज़ है नल वैल्यू ज़ीरो वैल्यू नहीं होती स्पेस भी नहीं होती एम भी नहीं होती ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है जब हम हम नल का जिक्र करते हैं तो स्टूडेंट दिमाग में ये आता है कि जीरो है या एम है या स्पेस है इन तीनों में से नहीं है फिर नल क्या चीज़ है नल का मतलब है नोन अननोन वैल्यू आसान लफ्ज़ों में इसको गार्बेज वैल्यू बोलते हैं यानी मुझे ये पता है कि इस कॉलम में कोई वैल्यू तो मौजूद है लेकिन उस वैल्यू को मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड है सिस्टम जनरेटेड है सम वैल्यू जिसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इट कैन बी जीरो इट कैन बी एम टी इट कैन बी स्पेस लेकिन इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ए बी सी भी हो सकता है वन टू भी हो सकता है तो एक ऐसी वैल्यू है जो कंप्यूटर जनरेटेड है मैं और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन ये हमें पता है कि उसके अंदर कोई ना कोई लाजमी वैल्यू मौजूद है तो सिंपल दबाव में यह बैठाएं कि प्राइमरी के अंदर एक तो वैल्यू होनी चाहिए नॉट मल कैटर करने के लिए और जो वैल्यू है वो तमाम रोज के लिए यूनिक होगी यानी रिपीट नहीं हो सकती ये दो प्रॉपर्टीज दाम में रखें यू विल बी गेट डन विद इट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की इज यूनिक की अब पहली चीजें दावे में रखें यूनिक की जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिक तो यूनिक की एक प्रॉपर की है तो इसका काम सिर्फ ये है कि ये जो की है ये भी कॉलम लेवल पे ही लगती है जिस कॉलम को आप यूनिक की मार्क कर देंगे उस कॉलम में वैल्यू यूनिक होगी यानी रिपीट नहीं हो सकती लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज है अगर वैल्यू है तो इससे मुराद यह है कि यूनिक वैल्यू में या यूनिक की में वैल्यू नहीं भी हो सकती यानी यूनिक कॉलम में अगर तो वैल्यू है जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल सीएनआईसी अगर सीएनआईसी है तो दो स्टूडेंट्स का या दो बंदों का सीएनआईसी या जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो सेम नहीं हो सकता लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए तो आप ऐसे कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि प्राइमरी की के लिए वैल्यू का होना लाजमी है नॉट नल वाली चीज और अगर वैल्यू है तो वो यूनिक होनी चाहिए तो अगर इस इस कॉन्सेप्ट को यूनिक की के कॉन्सेप्ट को मैं अगर एक इक्वेशन में सम अप करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस तो नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं आपको वही इक्वेशन दिखाऊं जो प्राइमरी की वाली थी उसमें बिल्कुल माइनर सा चेंज है वो चेंज वो एंड को मैंने सिर्फ और कर दिया बड़ा माइनर चेंज है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है कि इसमें भी यूनिक वैल्यू पर रो है बिल्कुल प्राइमरी की की तरह लेकिन इसमें नल वैल्यू आ सकती है आसान लफ्जों में कि ऐसा कॉलम हो सकता है यूनिक कॉलम यानी ऐसा कॉलम हो सकता है जिसको आपने यूनिक की मार्क किया हो और उसके अंदर वैल्यू मौजूद ना हो बिल्कुल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट नंबर है अगर किसी का पासपोर्ट नंबर है तो वो रिपीट नहीं होगा यूनिक होगा मतलब दो बंदों का या दो स्टूडेंट्स का या दो कस्टमर्स का पासपोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकता ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कस्टमर्स का पासपोर्ट नंबर हो ही ना तो ये प्राइमरी की और यूनिक की का कंपैरिजन है सो व्हाट कम्स नेक्स्ट इज द लास्ट इंपॉर्टेंट की दैट इज फॉरेन की फॉरन की का आसान लफ्जों में मतलब यह है कि हमने दो टेबल्स क्रिएट किए दो टेबल्स के अंदर हमने एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई किया अब हमने दोनों को रिलेट करना है क्योंकि डेटा बेस का बेसिक मकसद यह था कि हम स्टोर कर सकें और एफिशिएंटली स्टोर करें मतलब रेपटेशन हमने कम से कम करनी है सो फॉरेन की विल हेल्प अस टू रिड्यूस रिटेंडेंसी रिड्यूस रेपटेशन सो इन एसेंस एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरन की बन के जाती है एक्सपोर्ट होती है मतलब दो टेबल को अगर आपने लॉजिकली कनेक्ट करना है तो दोनों में एक कॉमन एट्रीब्यूट डाल दें उस कॉमन एट्रीब्यूट को एक टेबल की प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल में जहां वो रिपीट हो रहा होगा या कॉमन नेम होगा उस कॉलम को हम लोग फॉरन की बोलेंगे तो उन दो के जरिए हम दो एंटिटीज को या टेबल्स को हम आपस में लिंक करेंगे सो द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल विल एक्ट एज दी ऑफ एन अदर टेबल और जो फॉरन की है उसके लिए किसी टेबल की प्राइमरी की का रेफर करना जरूरी है यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक फॉरन की क्रिएट कर दूं और वो किसी भी टेबल की प्राइमरी की नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता तो फॉरन की के लिए जरूरी है कि वो जिस भी टेबल को रेफर कर रही है की या जिस भी की को रेफर कर रही है वो उस टेबल के अंदर उस टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए और आखिरी चीज कि जो फॉरेन की कॉलम में वैल्यू आएगी वो उन्हीं वैल्यूज का सबसेट होगी जो प्राइमरी की कॉलम में मौजूद होगा इस चीज को सिमुलेट करने के लिए लेट मी शो यू वन इक्वेशन सो एक टेबल वन है उसके अंदर एक आईडी का कॉलम है और आईडी के कॉलम को हमने यहां प्राइमरी की मार्क किया हुआ और इसके अंदर वैल्यू है वन टू थ्री फाइव ये हमारा पेरेंट टेबल है या वो टेबल है जिसको हमने आगे यूज करना है उस की को हमने यूज करना है एज अ फॉरन की उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेबल टू है टेबल टू के अंदर हमने एक कॉलम का नाम रखा आई डी वन जो कि फॉरन की है फॉरन की से मुराद ये है कि ये किसी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करेगी यानी इट विल बी रेफरिंग फॉर एग्जाम्पल हेयर इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी फॉर एग्जाम्पल टू थ्री वन टू ये इन वैल्यूज का सबसेट होनी चाहिए रिपीट हो सकती है देखें यहां भी अब टू रिपीट हो रहा है बट इज पॉसिबल लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम में लेट सपोज वैल्यू लिख दू सिक्स या सेवन ये गलत है दीज आर इन वैलिड वैल्यूज रीजन कि फॉरन की कॉलम में वही वैल्यूज आ सकती हैं जो इस प्राइमरी की के अंदर मौजूद हैं दिस इज इट क्योंकि फॉरन की का काम बड़ा आसान सा है फॉरन की ने किसी दूसरे टेबल की एक वैल्यू को रेफर करना है अब जो वो दूसरा टेबल है वो हमारा प्राइमरी की वाला टेबल है अगर उसमें फॉर एग्जाम्पल सिक्स और सेवन मौजूद नहीं होगा तो वो आपको डी बी एम एस या आर डी बी एम एस गलत वैल्यू फॉरन की में एंटर नहीं करने देगा